नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन स्वागत करता हूं आपका हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर। और दोस्तों, नॉर्वे चेस शुरू हो चुका है। जी हाँ, विश्व के दिग्गज 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में मुकाबला। और आप जानते हैं कि ब्लिट्स टूर्नामेंट ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें मैक्सिम लागरेव विजेता बने थे और उन्होंने मैग्नस कार्लसन को पराजित किया था अंतिम राउंड में। वही एरोनियन ने भी कार्लसन को पराजित किया, वो दूसरे स्थान पर रहे। आनंद 9वें स्थान पर रहे, ठीक ठाक नहीं रहा, सिर्फ 6 मैच ड्रॉ कर सके, 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा उन्हें। लेकिन हम बात करते हैं क्लासिकल मुकाबलों की, तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्लासिकल के साथ भी कुछ अलग बात जुड़ी हुई है। जी हाँ, आर्मागेडन मुकाबले खेले जा रहे हैं। अगर मुकाबले ड्रॉ रह रहे हैं तो उसके बाद एक ब्लिट्स मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें काले जो मोहरे से खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको मिल रहे हैं 4 मिनट और जो सफेद मोहरों से खेल रहे हैं उन्हें 5 मिनट। लेकिन अगर यहाँ पे काले पीसेस से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं अगर मुकाबला ड्रॉ करने में कामयाब होते हैं तो उन्हें विजेता घोषित कर दिया जा रहा है। मतलब कि क्लासिकल मुकाबलों का परिणाम जो भी हो, अगर वो ड्रॉ भी रहते हैं लेकिन हर राउंड का परिणाम निकाला जा रहा है और वो खिलाड़ियों को फोर्स करेगा कि कुछ अच्छी शतरंज वो खेलें ताकि वो जीत दर्ज करें मैच में, ना कि वो ड्रॉ खेलें। और देखिए खैर इसका परिणाम क्या आता है इस प्रयोग का, वो तो देखना ही होगा। सबसे पहले नजर डालते हैं क्लासिकल मुकाबले में। आनंद ने ड्रॉ खेला कार्लसन के साथ, लगातार दूसरा ड्रॉ था। ग्रैंड के मास्टर्स में भी ड्रॉ खेला था आनंद ने कार्लसन के साथ, वो मैच भी बचाया था किसी तरह से। आज एक बार फिर एक शानदार एंड गेम दिखाया आनंद ने रुक एंड गेम में। मिडिल गेम में पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन हम इस एंड गेम से शुरू कर रहे हैं सीधे। और इस एंड गेम में हमने देखा जैसे ही क्वीन यहाँ पर एक्सचेंज हुए, रुक c5, रुक इनटू f4, ये बात क्लियर थी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तो पहले तो बैक रैंक सुधारना होगा, तो समथिंग लाइक h6 देखने आएगा। पर ये दो पॉन कमजोर थी, यहाँ पे एक पॉन कमजोर थी, तो आनंद का आइडिया सिंपल था कि किसी भी तरह इस कॉर्नर पॉन को ले लिया जाए। और अगर वो इस कॉर्नर पॉन को लेने में कामयाब हो जाते हैं, ये पॉन दे भी देते हैं वो और ये पॉन बची रह जाती है बोर्ड में, तो भी ये मुकाबला ड्रॉ होगा। ठीक वैसा ही हुआ मैच में। h6 खेला पहले आनंद ने, रुक f3 डिफेंड किया सी पॉन को, रुक g8, किंग g8 आया यहाँ पर, तो रुक d3 और रुक f5, तो सी जो एक्सचेंज सोच रहे थे वैसे कुछ एक्सचेंज हुआ। और यहाँ पर काल आनंद ने बहुत ही अच्छी चाल खेली, रुक a2, ताकि ये जो किंग है इसको पूरी तरह से कट ऑफ रखा जाए। और ये पहला सिद्धांत है, अगर आप पान डाउन है और अगर आप रुक, मतलब इस तरह की स्थिति आ जाती है जहाँ पे आप अपोनेंट के किंग को कट ऑफ कर देते हैं, आप देख सकते हैं सिमिलर यहाँ पर पॉन स्ट्रक्चर है, तो सिमेट्रिकल है इस तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आराम से होल्ड किया आनंद ने और वही कुछ हुआ। यहाँ पर h4 खेला, किंग h7, किंग h2 खेला यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि h5 नहीं बढ़ सकते हैं, अगर h5 आगे बढ़ेंगे तो रुक a5 आ रहा है पहले, तो अब इसको डिफेंड करना होगा, तो g4। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट g4 चले जाएंगे तो ब्लंडर हो सकती है, क्योंकि रुक जो है वो b4 आ रहा है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट रुक g4 जाते हैं तो रुक b4 आ रहा है डिफेंड करने के लिए, तो यहाँ पे पहले गुड मूव आती रुक c5, पहले आपको डिफेंड करना होगा c3 की पॉन, और फिर रुक c4 से हम जब बैठेंगे तो पॉन नहीं बचेगी। तो अल्टीमेटली इसीलिए h5 लेके स्पेस नहीं लिया जा सकता था। किंग h2 यहाँ पे गुड मूव खेला, रुक d2 एक बार फिर मेंटेन रखा सेकंड रैंक को, और रुक c7, किंग g6। और इस मूव का एक फ़ायदा, ये जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आगे समझ में आएगी, कि इस पॉन के इस तरफ आना था ताकि आप यहाँ से जो है वो चेक दे पाएं और पिन कर पाएं पॉन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। तो रुक c2 और उसके बाद किंग g6 आ रहा है यहाँ पर, किंग g3, बट आप देख सकते हैं कि किंग h5 एक गुड मूव आया, क्योंकि आप यहाँ पर रुक इनटू जो है h7 नहीं मार पाएंगे, क्योंकि h7 अगर आप मारने के लिए जाते हैं सो आई विल गिव दिस चेक एंड टेक दिस पॉन, और उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी मैच में। तो रुक c5 उन्होंने चेक दिया, आनंद ने डिफेंड किया g5 के साथ, किंग h3 और यहाँ पर बहुत अच्छी चाल रुक d3, और उसके बाद ये पॉन आने के बाद सीधा सीधा थर्ड रैंक मेंटेन किया, पॉन आगे पुश नहीं हो सकता है और आपको कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस आप कर नहीं सकते हो। मैक्सिमम या तो आप किंग पीछे की तरफ आओगे या फिर पॉन आगे की तरफ पुश करोगे। तो कार्लसन ने वही किया, पॉन आगे पुश करना किया, एक्सचेंज किया और उसके बाद पॉन पुश करना शुरू किया, और तब तक बहुत स्पेस यहाँ पर हासिल कर लिया काले मोहरों से खेल रहे आनंद ने। और किंग पूरी तरह से बिना किंग की मदद से मैच जीतना संभव नहीं था यहाँ पर, और वही हुआ। और जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ इस अंदाज में आनंद अपने किंग को लेके गए, वो पॉन लिया और फिर क्योंकि किंग कट ऑफ है, ये पॉन जाने के बाद भी जो है मुकाबला ड्रॉ है, क्योंकि अगर आप जानते होंगे कि एक पॉन में अधिकतर ड्रॉ ही होता है, अगर आपको ये किंग को फ्री करना है तो कहीं ना कहीं इस रुक को एक्सचेंज करना होगा और उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ जो है वो होगा नहीं। तो दोस्तों, ये मैच था जो कि रहा ड्रॉ। तो अब हम नज़र डालते हैं उस मैच में जो आर्मागेडन मुकाबला हुआ इसके बाद, जिसमें मैग्नस कार्लसन ने आनंद को हरा दिया। और वो मुकाबला भी बड़ा रोचक इसलिए था क्योंकि वो जिस लाइन में खेला गया, जिस जो ओपनिंग आई उसमें, वो यूजली जो है वो आती नहीं है। तो आइए देखते हैं उस मुकाबले में आनंद को कैसे हराया यहाँ पर
मैग्नस कार्लसन ने। C4 इंग्लिश ओपनिंग से मुकाबला शुरू हुआ और यहाँ पे बिशप B4 खेला आनंद ने, जो कि बहुत रेयर खेला जाता है। नाइट D5 जवाब दिया मैग्नस कार्लसन से, हमेशा तैयार रहते हैं। और उसके बाद D4 के साथ पोजीशन को ओपन किया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, और नाइट F6 के बाद E7 का जो है नाइट वहाँ पर ले गया। मैं आपको बता दूँ कि इस लाइन पर एक सिर्फ डेनियल डुबोव का मैच खेला गया है इस साल, बाकी इसके अलावा इस लाइन पर किसी बड़े खिलाड़ी के मैच नहीं। 10-12 मुकाबले मिलेंगे आपको इस लाइन में, और वही खासियत है कि दोनों खिलाड़ियों ने शायद इसे चुना कि सरप्राइज देने के लिए। यहाँ पर चूंकि नाइट नहीं है तो C3 का स्क्वायर क्वीन को एक अच्छा स्पेस देता है बोर्ड के ऊपर, कि कंट्रोल भी रख सकते हो, प्रेशर रख सकते हो F6 पर, और थर्ड रैंक पर भी आप मोबिलिटी के चांसेस रख रहे हैं अपने। सो इट्स काफ़ी एक्टिव पोजीशन है C3 पर क्वीन का होना। खैर, इसके बाद नाइट F3 D6, और यहाँ तक आते आते मैं बता दूँ कि ये जो पोजीशन है G5 के बाद, ये पूरी तरह से नई चाल है इस पोजीशन में। इससे पहले कोई भी मुकाबला खेला ही नहीं गया है इस चाल पर, खासतौर पर टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। खैर, यहाँ पर एक्सचेंज किया, ये एक वो मौका था, आप चाहिए तो पॉज करके सोच सकते हैं। यहाँ पे गुड मूव आ रहा था, नहीं चला आनंद ने, वो था नाइट। अगर जंप करते तो यहाँ पे देखिए कि थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। नाइट G6 जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्सचेंज के बाद ब्लैक इज कम्फर्टेबल। आप अगर इस पॉन को लेते भी हैं यहाँ पर तो ये जो पोजिशन थी ये कम्फर्टेबल होती, और आपको यहाँ पर अगर आप बचाने जाते हैं बिशप को तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पोजिशन है यहाँ पर जो काले मोहरों से खेले खिलाड़ी हैं। हम अपने नाइट को जो है E4 से वापस ले जाएंगे, तो काफ़ी स्थिति अच्छी थी यहाँ पर। खैर, आगे बढ़ा खेल, बिशप G3 खेला, नाइट D7, ये मूव एक बड़ी गलती साबित हुई बोर्ड पर कुछ समय के लिए, और कार्लसन को बढ़त हासिल हो गई। कारण आप साफ देख सकते हैं कि E5 के पॉन पर प्रेशर है और उसको डिफेंड करना है। लेकिन यहाँ पर एक चाल हो सकती थी कैसल, अगर कैसल करते और बिशप E5 तो यहाँ पर गुड मूव अगेन आता नाइट E4, और उसके बाद फिर आप देखिए कि क्वीन प्रेशर में है। आप अगर A5 जाएंगे तो B6 के बाद मैं आपको परेशान कर सकता हूं, और अगर आप क्वीन D5 आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं वो वेरिएशन। अगर यहां आते हैं तो B6 क्वीन D5 तो बिशप B7 एक बेहतरीन चाल है, क्योंकि आफ्टर ये मारने के बाद ये जो पोजीशन है ये बहुत ही अच्छी है काले मोरों से खेल रहे खिलाड़ी के लिए, तो बेहतर स्थिति में आ जाएंगे यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी। खैर, बात करते हैं कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वीन A5 नहीं खेलते, क्वीन D4 जाते तो भी, अब आपको बता दूं कि बिशप F5 के बाद अब दोनों रुक सेंटर पे आने की तैयारी में है। मोस्टली जो है FD8 आएगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर ये बिशप जो है वो डेंजर में है, और पोजीशन जो है वो अप हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन जो है अभी तक वाइट का डेवलपमेंट कम्प्लीट नहीं हुआ है। खैर, आनंद ने नाइट D7 खेला, और इसका नुकसान थोड़ा सा हुआ कि इमीडिएट कार्लसन ने उनके स्ट्रक्चर पर हमला किया H4, तो G4 कमिट करना पड़ा, तो इस कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में वीकनेस आ रही है जो आपको कमिट करना पड़ रहा है। C5 आया, H5 जवाब दिया आनंद ने, रुक C1, अब C6 आ रहा है तो वहाँ फिर से C6 भी कमिट करा दिया, तो अब कहीं ना कहीं वीकनेस जो है आप देख सकते हैं D6 के स्क्वायर में बन गई है, और यही बाद में आनंद के लिए मैच में हार का कारण बनी। बिशप D3 आया यहाँ पर, कासल हुआ, लेकिन किंग की स्थिति हमेशा डावाडोल हमेशा रहेगी। आनंद के लिए काफ़ी वीकनेस थी बोर्ड पर, हालांकि ये बिशप अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बराबर बना हुआ था। देखते हैं यहाँ पर कार्लसन ने आगे कैसा खेल दिखाया। रुक ये, रुक FD1, नाइट F6, बिशप B1, यहाँ पर E4 अच्छा चाल होना चाहिए था ताकि इसको रोकते यहाँ पर आने से लिए, लेकिन ध्यान रखिए ब्लिट्स मुकाबला है, दोनों खिलाड़ी काफ़ी तेज़ी से खेल रहे थे। तो यहाँ पर खेला बिशप B1, पीछे आए तो यहाँ पर नाइट D5 एक टेम्पो गेन किया, क्वीन मूवमेंट, और उसके बाद E4 कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर पोजीशन जो है आनंद की संभल गई थी, रुक D4, F5 और A3, तो कुछ इस तरह से मूवमेंट हुए, और जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे मोहरे काले मोहरों के खिलाड़ी के निकल गए, मतलब आनंद के सारे मोहरे बोर्ड पर हैं। ये स्थिति जो है वो लगभग बराबर हो गई थी, और आनंद ने यहाँ पे प्रेशर लाने की कोशिश की, और ये वो स्थिति थी जहाँ पर आनंद ने जो है गलती की। यहाँ पर कार्लसन के पास चूंकि बोर्ड पर आप देख सकते हैं ये हिस्सा ऑलरेडी ब्लॉक है, यहाँ से कोई मूवमेंट हो नहीं सकता, तो जो भी प्ले है वो क्वीन साइड से ही होगा। तो कार्लसन यहाँ से कुछ काउंटर निकालने की कोशिश कर रहे थे, और ये वो स्थिति आई जब आनंद ने ब्लंडर कर दिया। आनंद ने यहाँ पे नाइट F6 खेल दिया, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से इस खाने का उपयोग मैग्नस कार्लसन ने करते हुए जीत दर्ज की, और एक एंट्री हो गई एक्चुअली। तो रुक A8 या फिर किंग H7 बेहतर मूव होता, यहाँ से नाइट को नहीं हटाना चाहिए था आनंद जी को, शायद टाइम प्रेशर में होंगे, ब्रिट्स मुकाबला था। खैर, नाइट F6 गलती हुई और तुरंत फ़ायदा उठाया मैग्नस कार्लसन ने, अंदर एंटर हो गए, बिशप A2 एक्सचेंज करना पड़ा, और इसके बाद तो जो स्थिति है वो पूरी तरह से जो है नियंत्रण से बाहर चली गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पॉन खतरे में आ गए, पास्ट पॉन क्रिएट हो गया,
और उसके बाद रुक भी एक्टिवेट हो गया, तो ये स्थिति जो यहाँ से है बहुत ही ख़राब हो गई। और उसके बाद जल्दी आप देखा क्वीन सी सेवन और रुक की एंट्री, और उसके बाद जो है स्थिति लगातार ख़राब होती चली गई आनंद के लिए। नाइट को बाहर निकालना पड़ा पर तब तक देर हो गई थी, रुक एच एट और क्वीन। और यहाँ पर आप देखिए अगली चाल में जो है एक्सचेंज के बाद अब आप चाहें तो मेट ढूंढ सकते हैं। एक मेट तो कुछ इस तरह से हो रही है, आप देख सकते हैं क्वीन बी टू चेक, अगर आप आएंगे रुक एच सिक्स चेक, किंग ई फाइव, और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वीन बी टू चेक आ रहा है, किंग डी फाइव, क्वीन डी फोर, ये मेट हो सकती थी। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने किंग एच एट खेला, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेट जो है वो रोकना जो है संभव नहीं है। अगर आप यहाँ पर और कुछ भी खेलेंगे जैसे रुक जी सेवन हम देखें तो एक सिंपल मूव आ रहा है रुक जी सिक्स और ये मैच जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैग्नस कार्लसन ने आनंद को आर्मगेडन मुकाबले में पराजित किया। क्लासिकल में मुकाबला ड्रॉ रहा, तो आज फिर मुकाबला है, नज़र बनी रहेगी हमारी, जुड़े रहिए चेस बेस इंडिया से, अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। नॉर्वे चेस को हम पूरा कवर करने जा रहे हैं, हर राउंड का विश्लेषण किसी एक मैच का हम लेकर के आएंगे, क्लासिकल और आर्मगेडन का, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अपने सुझाव हमें जरूर भेजें, जुड़े रहें चेस बेस इंडिया से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलें जहाँ से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे हमारा कोई वीडियो आता है। तो शेयर करें इस वीडियो को हिंदी भाषी लोगों से, और शतरंज को फैलाने में, प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग करें। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।